नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी यमराज के बारे में। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जन्म और मृत्यु ये दोनों ही लिखे हुए होते हैं। जो धरती पर आए हैं उन्हें एक ना एक दिन धरती को छोड़कर यमलोक में जाना ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमराज की भी मृत्यु हो सकती है? और क्या यमराज की भी मृत्यु हुई, और किसने उनका जो है वध किया, कैसे उनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि देवता यमराज को किसने मारा, उनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है। यमलोक में व्यक्ति की कर्मों के आधार पर उनकी आत्माओं को स्वर्ग या फिर नरक में भेजा जाता है। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे ही, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। सृष्टि से भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति की आत्माओं को यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है, जहां व्यक्ति की कर्मों के आधार पर उनको स्वर्ग या फिर नरक में भेजा जाता है। यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, जो स्वयं दूसरों के प्राण हरते हैं उनकी भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। चलिए आपको बताते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्यदेव के पुत्र हैं यमराज। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से सूर्यदेव का विवाह हुआ था। तब संज्ञा ने भय से सूर्य की तरफ देखा तो सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो लोगों के प्राण लेने वाला होगा। जिसके बाद संज्ञा ने चंचल दृष्टि से सूर्यदेव की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री चंचल होगी और चंचलता से नदी के रूप में बहेगी। इसके बाद संज्ञा के जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना पड़ा। कार्तिकेय के प्रहार से, आपको बताएं कि कार्तिकेय के प्रहार से हुई थी यमराज जी की मृत्यु। एक कथा के अनुसार एक बार राजा श्वेत अपना राज्य त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए थे। कुछ समय बीतने के बाद यमदूत मुनि श्वेत के प्राण लेने आए। तब श्वेत मुनि प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। तब भगवान शिव ने अपने गण भैरव को भेजा और भैरव ने डंडे के प्रहार से यमदूतों पर हमला किया। इससे यमराज क्रोधित होकर भैंसे पर बैठकर यमदंड हाथ में लेकर वहां पहुंचे। उस समय कार्तिकेय श्वेत मुनि की रक्षा करने के लिए वहां मौजूद थे। तब कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज का वध कर दिया। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इतना कुछ होने के बाद यमराज वापस से जीवित कैसे हुए। तो शिवजी ने दिया था यमराज जी को पुनर्जन्म। जी हाँ, यमराज की मृत्यु के बाद समस्त देवतागण एकत्रित हुए और भगवान शिव से यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि यमराज की मृत्यु से सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सूर्यदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी से यमुना नदी का जल मंगवाया और उस जल के छींटे यमराज के मृत शरीर पर डाले, जिससे यमराज पुनर्जीवित हो गए। तो दोस्तों, ये थी मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें, जिनको अमूमन कम ही लोग जानते होंगे। आशा करती हूँ कि आज के हमारे इस खास वीडियो में आपको यमराज से जुड़ी कुछ बेहद जानकारियाँ मिली होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।